क्रोध को यमराज कहा गया है। जिस समय आपके मन में गुस्सा हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए। जिस समय क्रोध मन में उबल रहा हो उस समय कोई एक्शन मत लीजिए। और जिस समय आपके मन में भयानक गुस्सा भरी हो उस समय कोई काम मत कीजिए, थोड़ा शांति से रहिए। गम खाना सीखो, सरल बनना सीखो, सहनशीलता से रहना सीखो। क्रोध आपके सम्मान को खत्म कर देता है, क्रोध आपकी इज्जत को कम कर देता है, क्रोध आपकी उन्नति को ब्रेक लगा देता है, क्रोध विकास को विनाश में बदल देता है। और याद रखना, ये क्रोध आपके प्रेमियों को भी दुश्मन बना देता है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। और पांचवें वे लोग जिनको हमेशा सबके ऊपर संदेह रहता है, जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, वही भी बहुत दुखी रहते। कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। विश्वास करने योग्य लोगों के ऊपर विश्वास भी कीजिए, संदेह के गड्ढे में जिंदगी को मत गिराइए। अश्रद्धानश्च अज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मनः नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संदेह से भरा हुआ मनुष्य जिसका किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, वह व्यक्ति इस लोक में सुख नहीं पाता है, परलोक में भी सुख नहीं पाता है। इसलिए अनावश्यक संदेह भी मत करिए। जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको परखो, उनके ऊपर विश्वास भी करो। इतने बड़े देश की व्यवस्था भी विश्वास से चलती है। पार्टी में इतने कार्यकर्ता होते, एक दूसरे पर विश्वास ही रखते। घर में भी विश्वास को पैदा करो और स्वयं भी ऐसे कार्य करो जो तुम पर लोगों को भरोसा हो सके। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। आप विश्वसनीय व्यक्ति बनो, विश्वसनीय दुकानदार। कभी नुकसान नहीं उठाता है, बहुत उन्नति करता है। ग्राहक के विश्वास को जीतो, ग्राहक को भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि हमें सही दाम और सही सामान सब हो रहा है। और छठी चीज है, पर भाग्य जीवी खड़े थे नित्य दुखिता। जो दूसरे की कमाई पर जीना चाहते, खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, जो पराधीन है, आलसी है, निकम्मे हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं है, ऐसे पड़े रहते जैसे भैंस का पड़वा पड़ा रहता, ऐसे लोग सदैव दुखी रहते। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को दूर भगो। जिस घर में दो रोटी खाते हो, दस रोटी कमाने भर की मेहनत भी करो। एक 35 साल का नवयुवक मिला तो मैंने पूछा, क्या काम करते? बोले, अभी तो कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा, खर्चा कहाँ से चलता है? बोले, पापा नौकरी करते हैं, मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती है, उन्हीं के पैसे से जी रहा हूँ। 35 साल के हो गए, कुछ नहीं करते।
माँ बाप के ऊपर भार बने हुए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति 23 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे। सोचिए वो 35 साल के हैं, कुछ नहीं कर रहे। अपने माता पिता के कार्यों में भी सहयोग करो, जहां रहो किसी के ऊपर भार बनकर मत रहो, होनहार बनकर रहो। जहां रहो वहां तुम्हारी वजह से बाहर आनी चाहिए, त्योहार आना चाहिए, सारा व्यवहार बदल जाना चाहिए, तब समझ लो तुम्हारा जीना सार्थक है। किसी के ऊपर भार बनकर क्यों पड़े थे? साधुओं में भी कितने साधुओं को देखा जाता है, किसी आश्रम में जाएंगे बस बैठे रहेंगे। उनसे पूछो क्या बीमार हो, कहते बीमार तो नहीं लेकिन बीमार होने की तैयारी कर रहा हूं। बहुत आलसी है, न दाल चावल बनिया कराएगा, न भोजन बनाने में मदद करेगा, खाने के लिए जब बैठेगा तसला भर भात खाएगा पराठे, बड़ा कामचोर, नहाने जाएगा 2 घंटे नल पर बैठा रहेगा। मैं साधु हूं ना, निकम्मे साधुओं से भी मेरा पाला पड़ता, देखता हूं तमाशा लोगों का। जब तक वे स्नान करते हैं उतने पीरियड में तो हम 20 श्लोक याद कर लेते हैं। मैं देखता हूं उनको, मैं समझ गया कि अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है, किस्मत को बर्बाद कर रहा है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है, याद रखना उसकी किस्मत बर्बाद हो जाती है। जो समय का सदुपयोग करता है उसके सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है, सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है। फटाफट सब काम करना सीखो, झाड़ू भी झट से लगा दिया करो, बर्तन फट से मांझ लो, अपना थैला सामान झट से बांध लो लेकर चल दो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। व्यर्थ में जीवन न जाए, अपने घर को स्वर्ग बनाना, अच्छी तरह से कार्य करना, गुरु की भक्ति करना, गुरुमंत्र भी लेना, उन्नति करना, बिजनेस भी लंबा चौड़ा करना, राजनीति पूरे मन से करना और निश्चिंत हो करके सब काम करना, पति पत्नी प्रेम से रहना, बच्चों को संस्कार और ऊंची शिक्षा देना, दान पुण्य भी करना, और यदि हो सके तो इस तरह का समागम भी कराना, जैसे आज यहाँ लाल सरैया में हो रहा है ऐसा आपके क्षेत्र में भी होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का कल्याण